तो हेलमेट हल्का वाला ले लिया है, इट्स अ डिफरेंट हेलमेट एंड कलर भी बिल्कुल मैचिंग है बाइक से। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज अमित। हेलमेट उतार दूं पहले। ओके सो राइड स्टार्ट हो चुकी है। पीछे मेरे टायर लगा हुआ है क्योंकि अगला टायर जो है तो पुराना हो गया और आई थिंक ऑन द वे मेरे को चेंज करना पड़ेगा। सो थंबनेल देख के पता लगी क्या होगा आपको मैं कहाँ जा रहा हूँ। नेपाल की राइड है, इट्स बीन अ वाइल दैट आई वाज प्लानिंग फॉर दिस राइड, लेकिन कोविड के चक्कर में जो है बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत मुश्किल थी और मेरे को मेरे फ्रेंड्स लोग बुला भी रहे थे नेपाल में, बट मैंने बोला जब तक बाइक नहीं आएगी मैं नहीं आऊँगा, तो रेंटल बाइक में वो मज़ा नहीं है। तो आज की जर्नी है अराउंड 350 किलोमीटर्स की और सेकेंड टाउन है नेपाल में जो अतरिया, और वहाँ पर मेरी फैमिली रिलेटिव्स रहते। मॉर्निंग में 7 बजे निकल गया था, अभी सन अप हो चुका है और मैं हूँ देहरादून और ऋषिकेश के हाईवे के बीच में। तो फटाफट अपनी राइड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बॉर्डर में क्या सीन है, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशंस क्या है वो वहीं जाके पता लगेगा। कोविड टेस्ट हो गया है, वैक्सीन दोनों लगी हैं, लुक्स लाइक आई एम ऑल सेट, लेट्स गो। ओके सो फाइनली पहला ब्रेक, काफ़ी लेट हो गया, 11:15 में पहला ब्रेकफास्ट ब्रेक ले रहा हूँ। लंच टाइम है एक्चुअली, लंच भी नहीं और ब्रेकफास्ट में करके नहीं आया, तो मैंने ऑर्डर कर लिया है टोस्ट, कॉफ़ी, पराठा और खाना अच्छा लग रहा है और भूखा बहुत हूँ तो खाता हूँ। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू क्रॉस द बॉर्डर और देखता हूँ कि वो सिचुएशन क्या है वहाँ पर। आई एम होपिंग कि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे, कम टाइम में मैं क्रॉस कर जाऊँ, क्योंकि जो मेरी डेस्टिनेशन है वहाँ मैं थोड़ा रोशनी में पहुँचना चाहता हूँ। तो सामने ही बाइक खड़ी है और सामान वगैरह उसी में, मैंने निकाला नहीं है कोई। लंच करते हैं और निकलते हैं फिर। हो गया है और गर्मी बहुत बढ़ गई है और अब मैं निकलता हूँ सीधा बॉर्डर में। थैंक यू भैया। तो मैं बॉर्डर निकलता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, पूरा हाईवे ही है। तो वंस आई रीच द बॉर्डर तो वहाँ देखते हैं क्या प्रोसेस है, लेट्स गो। ओके गाइस, मैं पहुँच गया हूँ खटीमा। खटीमा बॉर्डर से अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर है और मुझे अभी अभी रॉयल एनफील्ड का शोरूम दिखा है और जो चीज़ मेरे साथ सिलीगुड़ी में हुई थी, मतलब मेरी क्लच की वायर टूट गई थी, वो मैं नहीं चाहता कि नेपाल में हो। वाओ, GT इज लुकिंग सेक्सी। मैम इसकी क्लच वायर होगी क्या? क्लच वायर हाँ, मेरे को सिर्फ खरीदनी है, स्टॉक रखना है, खरीदनी है। हाँ तो क्लच वायर फाइनली मिल गई है 170 रुपीज़ की और ये स्टॉक में रख लूँगा मैं, क्योंकि आई एम नॉट प्रीटी श्योर के नेपाल में, मतलब मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी, रॉयल एनफील्ड इज़ क्वाइट फेमस इन नेपाल, बट कहाँ मिलेगी और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसको रख लेते हैं फ़िलहाल, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फटाफट निकलते हैं, बॉर्डर अभी बंद होगा 2 घंटे में, यहाँ से 15-20 किलोमीटर का दूर है बॉर्डर, तो अभी डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट करवाने हैं जैसे मैंने कहा, और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। हाँ चालू हो गया, चलो भैया हैं, थैंक यू। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ बनबसा के मार्केट में और यहाँ पर जो पीछे शॉप है मेरे, यहाँ पर मैं अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ जो मैंने कराया नहीं है, और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी प्रिंट आउट करवा रहा हूँ। और यहाँ से बॉर्डर मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर है अंदर है और वहाँ पर बिल्कुल ही आइसोलेटेड शॉप वगैरह कुछ नहीं, तो इस वजह से मैं सोचा यहीं पे सब करवा लूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पास बॉर्डर के लिए टाइम थोड़ा सा कम है, less than 2 hours, तो होपफुली ज़्यादा भीड़ ना हो, फॉर्मेलिटीज़ हो जाए जल्दी और काम हो जाए, तो बॉर्डर क्रॉस करता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आपको मैं। पर यह है कि बॉर्डर का व्यू आपको दिखा दूँगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सो लेट्स डू द वर्क फर्स्ट एंड देन सी इन बिटवीन इंडिया नेपाल। तो जी नेपाल एंटर करने से पहले ट्रेन को निकलने का वेट करना पड़ेगा, रेलवे ट्रैक है बीच में और मार्केट बिल्कुल ही हैपनिंग है। मुझे बचपन का याद है, यहाँ से हम घोड़ा गाड़ी में जाया करते थे, सुबह 5:30 बजे निकलते थे बनबसा से आफ्टर द बस ड्रॉप्स यू, और 6 बजे करीब बॉर्डर खुलता था तो हम 5-5:30 बजे अपना घोड़ा गाड़ी लेके निकलते थे, और मतलब हमारी घोड़ा गाड़ी नहीं जो पब्लिक कन्वेंस था उस वक्त, और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके फिर वहाँ से बस पकड़ते थे। तो अभी तो बाइक में हूँ और अभी भैया ने बताया जो शॉप से मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करें कि 2-व्हीलर के लिए 24/7 खुला है बॉर्डर
तो कोई इशू नहीं है। तो बट मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मैं फॉरेनर हूँ, तो हो सकता है शायद कोई इशू हो जाए। तो आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू एंटर द कंट्री बिफोर 5 PM। लेट्स सी, पहली नेपाल की जो है नंबर प्लेट मेरे को दिखी है, हिंदी नंबर में लिखे रहते हैं इनके, एंड इज़ अ वेरी नाइस नेपाल का फ्लैग है बगल में और इट सेज नेपाल। सो एक्साइटमेंट इज़ ऑन। ये चीज़ शुरू से रही है प्रॉब्लम कि दोनों तरफ से जो है इधर उधर वाले खड़े हो जाते हैं पूरा, और जैसी ट्रेन निकलती है, लो जी आ गई ट्रेन, जैसी ट्रेन निकलती है वैसे ही बिल्कुल जैम पैक्ड हो जाता है। ओके लेट्स बिगिन, लेट्स गो फॉर द वॉर। आप देखो तुम मेला, टी टी पी पी, चलो भाई। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो गाइस, अगर आप रेलवे ट्रैक के आसपास रहते हैं तो प्लीज़ अपनी अपनी जगह बनाएं, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट, हॉर्न मारने से गाड़ी नहीं हटेगी। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये जो है ये काली नदी है, और इसी से जो है इंडिया का बॉर्डर डिवाइड होता है नेपाल के लिए। पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट वन वे ही है। आई थिंक किसी ज़माने में यहाँ पर ट्रेन चलती होगी, देखिए आप तो आई डाउट कि ट्रेन चलती है, बट इट लुक्स सो मैजेस्टिक यू नो टू हैव दिस काइंड ऑफ पुल। मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक तो कलर इतना अमेजिंग है, ऊपर से नदी इतनी बड़ी है, ये बहुत ही बड़ी नदी है, और अभी तो पानी भी काफ़ी है। एंटर कर सकते हैं भैया? ओके थैंक यू भैया। डंडा किसके लिए? अच्छा हाँ। तो ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का, और ये फ्लैग भी देख सकते हैं आप, इंडिया का फ्लैग है लगा हुआ। जा सकते हैं सर? अच्छा ठीक है। एंट्री करवानी है, कहाँ करवानी है ये नहीं पता, कर लेते हैं एंट्री। बचाव भी इसी से होता है मैम। गर्म तो लग रहा है खैर। चॉइस नहीं है जी। मैं देहरादून से जी, अभी नहीं वेंट, ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी मेरे ख्याल से, बंद कर दें। ठीक है, तो इंडियन चेक पोस्ट में मेरा चेक हो गया है, खाली डिटेल्स नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लिया है। तो ये नेपाल का एंट्री है, आप देख ही सकते हैं, यहाँ तो इंडिया की तरफ से होगा, उधर पूरा नेपाल का है, और काफ़ी भीड़ मेरे को लग रही है। तो जितना भी ऑफिशियल काम है, मैं पहले अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, आई थिंक तभी थोड़ा सा फ्रेंडली होंगे लोग, फिर जब काम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सारा बताऊँगा डिटेल्स क्या क्या है वहाँ पर। चलो लेट्स गो। वो देखो नेपाल का झंडा, वो देखिए नेपाल का फ्लैग, नाइस। दुनिया में एक ही फ्लैग है जो ट्राइंगल शेप में है, मतलब ट्राइंगल तो नहीं, मतलब ऐसे दो ट्राइंगल की शेप में है। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं अभी दे देता हूँ आपको ऑफिस का। तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो कस्टम का ऑफिस है, सामने ही बिल्कुल इनका बैंक है जहाँ पर आप फीस पे करते हैं, और ये इनका ऑफिस है जहाँ पर आपका कस्टम का फॉर्म बनता है, विच इज़ कॉल्ड भंसार इज लाइक अ कस्टम फॉर्म, इट्स लाइक अ लीगल डॉक्यूमेंट्स टू एंटर नेपाल। सो गाइज, इट्स ऑफिशियल, वेलकम टू नेपाल। नेपाल की रोड में हमारी इंटरसेप्टर जा रही है अब, आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, आई वुड से के ऑलमोस्ट दो साल, दो तो नहीं मैं कहूँगा, ऑलमोस्ट 1.5 years में आई वॉज थिंकिंग टू मेक दिस प्लान, एंड ड्यू टू द कोविड, लाइक आई सेड, ड्यू टू द बॉर्डर इश्यूज, इट डिडंट हैपन समहाउ। तो अभी के लिए वी हैव एंटर्ड नेपाल, आई हैव टू लुक फॉर द सिम एंड आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स कि भाई कौन कौन से फॉर्म भरने, क्या क्या प्राइसिंग है, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये बंसार की रिसीट है, सबसे पहले मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, क्योंकि अगर ये मिसप्लेस हो गया तो एटलीस्ट मेरे पास लीगल प्रूफ होगा कि मैं लीगली एंटर कर रहा हूँ नेपाल। तो दिस इज़ बंसार। मैंने एक्चुअली क्या उनसे पूछा था कि मैक्सिमम डेज का मेरे को दे दो, तो वैसे लीगल 30 होता है, बट उन्होंने 30 दिया नहीं, आजकल मेरे ख्याल से लिमिटेड ही दे रहे हैं, बट 25 डेज़ का मेरे को मिल गया एंट्री। और 25 डेज़ का चार्ज, टू व्हीलर का चार्ज जो है 150 rupees पर डे है, तो टोटल मेरे को जो चार्ज पड़ा है वो है 3750 rupees, ये नेपाली रुपीज़ है। तो मैंने इंडिया में इंडियन करेंसी में मैंने पे करा अराउंड 2350। तो ऑल इन ऑल इट वाज गुड, थोड़ा टाइम लगा, बहुत सारे लोग वेटिंग में थे, मैं भी पेशेंट रहा, तो ये काम हो गया।
और आपको इसकी जो मैंने आपको बैंक दिखाया था वहाँ पर आपको इसकी फ़ीस पे करनी होती है। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और नेपाल में मेरे ख्याल से 5:45 हो गया होगा, तो डार्क होने वाला है और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी है। यहाँ से मेरी जो डेस्टिनेशन है वो अराउंड 30 किलोमीटर्स है। वैसे मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ या आज पहुँच रहा हूँ, तो इधर इट्स गोना बी अ सरप्राइज फॉर देम और इट्स गोना बी अ शॉक फॉर मी कि वो नहीं होंगे। अगर नहीं भी होंगे घर में तो फिर मैं होटल बुक कर लूँगा। तो यहाँ से मैं सिम खरीद रहा हूँ अभी, सेवा शॉप करके है कोई, और जो सिम है वो लिमिटेड जगह में मिलता है एंट्री में फॉरेनर्स को। तो आपको आधार कार्ड चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और सिम का नाम क्या मैं तो भूल गया, पर 4G है, 100 रुपीज़ का सिम है, 100 रुपये का सिम मिलता है और आपका डेटा जो है आपको जितना डेटा डालना है उतना डेटा यूज़ कर सकते हो। तो कल के इवेंट से मैं भी थोड़ा टायर्ड था और तभी लेट निकला हूँ आज मैं। नॉर्मली मैं थोड़ा जल्दी निकलता हूँ लेकिन लेट इस वजह से हो गया क्योंकि मेरे पास जो था कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी मॉर्निंग में पैक करते हुए, तो वहाँ वो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ठीक है, सही टाइम पे पहुँच गया हूँ और सारे काम हो गए हैं। बेस्ट पार्ट इज़ आई मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर। तो अब यहाँ से जो भी जर्नी है वो मैं आपको अगली एपिसोड में दिखाऊँगा। आई एम टायर्ड, डेफिनेटली आई एम टायर्ड, और अब घर जाके जहाँ भी ठिकाना होगा वहाँ रेस्ट करूँगा और कल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, साइनिंग आउट। हेलो, डर गया बच्चा, डराने का नहीं, इधर से भी देखो ना, दिखता है। क्या नाम है आपका? शाहरुख खान। शाहरुख खान, क्यूट बच्चे हैं।